चूर चूर वाले देखो हमारी कचौड़ी खाने आए। अरे भाई, आज हम दिखाएंगे आपको फरीदाबाद की फेमस कचौड़ी, जो कि एसआई चौक पर, और वहाँ पे एक स्टॉल लगाती है हमारी दीदी, हम उन्हीं से जानेंगे किस टाइप की कचौड़ी बनाती हैं और किस टाइप की सब्जी वगैरह रहती है, रायता वगैरह भी साथ में रहता है, क्योंकि इनकी कचौड़ी हम काफ़ी देर से देख रहे थे कि लोग आ रहे हैं और कचौड़ियाँ पैक पे पैक करा के लेके जा रहे हैं। यार हमने भी सोचा यार ऐसा क्या खास है जो इतनी कचौड़ियाँ इनकी चल रही है। हेलो दीदी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया है। नाम जान सकता हूँ मैं आपका? मिथिलेश। कहाँ से हो आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद लोकल से हो तो आपकी कचौड़ियाँ कुछ ज़्यादा फेमस नहीं है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से लोग आ रहे हैं पैक करा करा के लेके जा रहे हैं, और तो ऐसा क्या खास है आपकी कचौड़ी में? ये हाथरस की हींग से बनाते हैं हम। हाथरस की हींग से बनाते हैं। इसमें क्या क्या फिल करते हैं आप? इसमें बेसन, दाल। दाल की कचौड़ी होती है? दाल की कचौड़ी होती है। और ये आपके साथ में, ये आपके साथ में है, ये भाई है? अच्छा, ये भैया है, ये हस्बैंड है। मथुरा से जी? आप मथुरा से हैं, इसीलिए ब्रजवासी नाम लग रखा है। तो ये सब्जी वब्जी सब मथुरा जैसी स्टाइल की होगी? हाँ जी। ये तेल क्या रिफाइंड है? रिफाइंड होता है ना। चूर चूर वाले देखो हमारी कचौड़ी खाने आए। अच्छा, चूर चूर वाले आपकी कचौड़ी खाने आए? अच्छा, ये वाले नाश्ता करने आए। सही बात है, अपना आइटम कम अच्छा लगता है ना। अच्छा, डेली करते हैं। आप भी कचौड़ी ज्यादा नहीं खाते होगे? मन भर गया होगा खाते खाते? नहीं खाते हैं, खाते हैं कम। आप डेली खाते हैं? तो भाई देखिए, यहाँ पे सर्विंग का तरीका भी कुछ डिफरेंट टाइप का है। ये कचौड़ियों को तोड़ देते हैं प्लेट के अंदर और सब्जी और हरी चटनी डाल के, और साथ में हिंग का पानी और रायता। राय भी होती है इसमें? रायता, रायता। अच्छा रायता, सॉरी, और साथ में रायता होता है। तो भैया रायता अलग से देते होगे? दस रुपए गिलास रायता। तो भैया यहाँ जो सब्जी चलती है वो राय झोल टाइप की चलती है, मथुरा जैसा? हाँ, झोल। मथुरा के लोगों को झोल टाइप का ज्यादा कुछ पसंद है ना, इसीलिए ब्रजवासी लिख रखा है। तो दीदी एक बार प्राइस और बता दे, क्या प्राइस होता है इसका, रेट क्या होता है? 20 रुपए प्लेट है। 20 रुपए और एक प्लेट में दो पीस है। तो रेट तो आपने बहुत जेन्युइन रख रखा है। रायता 10 रुपए गिलास है। एक बार झोल और चेक करा दो अपना। तो भाई ये चेक कीजिए, इनका ये झोल होता है, ये बिल्कुल मथुरा स्टाइल है। यहाँ पे आलू आपको देखने के लिए कम मिलेगा, सारा उसमें घोल दिया जाता है। तो भाई सबसे पहले आ गई ये कचौड़ी, इसको कर दिया चूर चूर, दो प्लेट पैक कर दो, और साथ में ये हींग का पानी स्पून, और ये मथुरा वाला झोल, और ये हींग वाली चटनी वाली मिर्च, अचार वाली मिर्च। अच्छा, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं होता इसमें। तो वही हमारी ब्रजवासी कचौड़ी आ गई है, जो कि हमारी प्यारी दीदी बनाती हैं। और आपको मैंने दिखाया अभी कि यहाँ पे लोग आते हैं, इनकी कचौड़ी है काफी टेस्टी है, आते हैं और इनकी कचौड़ी खाते हैं, हम भी टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे सर्विंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो टेस्ट करते हैं इनकी हींग कचौड़ी। यार इनकी हींग कचौड़ी तो वाकई में दमदार है। मैं सोच रहा था यार लोग आ रहे हैं, इतनी कचौड़ी कैसे पसंद कर रहे हैं। बात ही ऐसी है कि कचौड़ी में जो हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, और सब्जी का टेस्ट है वो मथुरा से थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मतलब झोल में अलग ही मजा है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं या रहते हैं, तो आप एसआई चौक पे फरीदाबाद में आके इनकी कचौड़ी ट्राई कर सकते हैं। टाइमिंग रहती है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।